नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश नाथरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थरोस्कोपिक सर्जन, उत्कर्ष हॉस्पिटल, कोटा। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। दोस्तों, टेनिस एल्बो एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा एल्बो जॉइंट है उसके आउटर एस्पेक्ट पे पेन होता है, उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। हमारे एल्बो जॉइंट पर एक मांसपेशी जुड़ी हुई होती है जिसे ECRP कहते हैं, और इसमें जो इसका ओरिजिन वाला पार्ट है वहाँ पर अगर सूजन आ जाए या खिंचाव आ जाए तो उसकी वजह से टेनिस एल्बो होता है। जो लोग अपने रिस्ट जॉइंट का ज़्यादा यूज करते हैं उन लोगों में टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो टेनिस खेलते हैं या प्लम्बर्स का काम करते हैं या मैकेनिक्स का काम करते हैं, पेंटर्स है, और रिपीटेड जो रिस्ट जॉइंट्स का मूवमेंट्स करते हैं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक तो आप अपने रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट का ज़्यादा यूज नहीं करें, और एक स्प्लिंट आता है जिसे टेनिस एल्बो स्प्लिंट कहते हैं, वो हमारे एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे की तरफ लगाया जाता है, और जो उसका गद्दी वाला पार्ट होता है वो मसल्स के ओरिजिन के जस्ट नीचे होना चाहिए, और ये हम टेनिस एल्बो स्प्लिंट जनरली 3-4 वीक्स ही लगाने की सलाह देते हैं, और पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो कोई इससे हैवी वेट नहीं उठाए, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट्स का ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करें। तो इन सब चीज़ों के करने से और कुछ मेडिकेशंस की वजह से 80-90% लोगों का टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिन पेशेंट्स का प्रॉब्लम्स रेस्ट, टेनिस एल्बो स्प्लिंट और मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है, उन लोगों को हम स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। जनरली 1 or 2 डोज ऑफ स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को रिकरेंस हो सकती है। जिन पेशेंट्स का रेस्ट, मेडिकेशन और स्टीरॉयड इंजेक्शन से ठीक नहीं होता, उन लोगों के लिए हम सलाह देते हैं कि एक सर्जरी की सलाह दी जाती है जिसमें जो मसल्स होती है ECRP उसको रिलीज किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप्स की सर्जरी की जाती है, एक तो होती है जिसमें मिनी ओपन सर्जरी होती है जिसमें इंसिजन लगा के और मांसपेशी को रिलीज किया जाता है। दूसरी टाइप की जो आजकल सर्जरी की जाती है वो आर्थरोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें इंसिजन नहीं लगाया जाता है और छोटे से पॉइंट से ही इस सर्जरी को किया जाता है, और इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, ये था टेनिस एल्बो के बारे में। अगर आपको भी किसी तरह की कोई लिगामेंट इंजरी या एल्बो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।